गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डे स्टूडेंट्स. यू नो फॉर द रीजन ऑफ डे लॉकडाउन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन आवर लाइफ. यू नो ऑनलाइन मोड स्टडी वी विल मेक वीडियोज फॉर यू एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट you will see this video and ask questions if you have any doubt or if you have any question. So we will start new chapter environment. Okay, so basically we will start like what is environment. You know, you heard, इससे पहले आपने सुना होगा कि एनवायरनमेंट क्या है, या हम एनवायरनमेंट डे जो बनाते हैं 5th of June को. सो बेसिकली व्हाट इज एनवायरनमेंट. सो देयर इज अ स्टोरी. आफ्टर लॉन्ग वैकेशन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन. ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterfly is gone forever. He shared his feeling with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." So, you know, in this story, when Ravi was started to going to school, he noticed that जहाँ पर playground था वहाँ playground नहीं है. वहाँ पर क्या बन गई है, बहुत बड़ी building बन गई है. और वहाँ पर क्या है, वो सोचता है, he realized that जहाँ पर butterflies, जहाँ पर grasses थी, जहाँ पर marigolds के फूल flowers थे, okay, वहाँ पर क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमेशा के लिए चली गई हैं, वो दोबारा नहीं हो सकती, बिकॉज फॉर द रीज़न वहाँ पर बिल्डिंग बन गई है. ऑब्वियसली ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स. उसने अब ये व्हेन वी सी समथिंग जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि यार आज ऐसा हो गया. सो उसने भी, क्योंकि वो वैकेशन के बाद आया था, तो ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ जहाँ वो खेलता था, जहाँ वो इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखता था, बटरफ्लाइज जहाँ पर फ्लाइज करती थी. ओके, सो असेंबली पीरियड में भी प्रिंसिपल सर ने टू सैडली ऑब्जर्व, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. So, तुम इसको इस तरीके से समझो कि like जो भी हमारे surrounding में है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी things हमारे surrounding में हैं, it is, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, एनवायरनमेंट में आती हैं. ओके, लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट दिस टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू अवर एनवायरनमेंट. रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड एंड द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, all are parts of our environment. Okay, so these living or non-living things, these जितने भी ये सब चीज़ें हैं, जितने भी इसके parts हैं, ये सभी क्या है, environment है. It is a part of environment. Okay, yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature and some objects created by human being.
सो यू नो लाइक बिल्डिंग रोड्स टेबल चेयर्स, सो ये दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर मेड बाय ह्यूमन बींग एंड यू नो रॉक्स प्लेट्यूज विंड वाटर दिस थिंग्स आर मेड बाय रिवर्स ट्रीज इट इज नेचुरल. न्यूयॉर्क इन पेरिस मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट. सो यू विल राइट 10 10 थिंग्स विच इज इन आवर सराउंडिंग. ओके, जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, आपको 10 10 थिंग्स उनको आपको लिखनी है. ओके, इट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो. गॉट इट. सेकेंड, रवि प्रणजीत जैसी मुस्तफ़ा आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. सो तुम्हें भी ये लिस्ट बनानी है. ओके, आई वॉन्ट टू से समथिंग. एनवायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. सो बेसिकली यू नो वी ब्रीथ, हम क्या ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. गॉट इट. ड्रिंक करने के लिए वाटर का यूज करते हैं. एंड द फूड वी ईट एंड द लैंड जहाँ हम क्या रहते हैं. सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑल आर कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट डायरेक्टली एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो. हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्डिंग फैक्ट्रीज. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट. सो यू नो जो भी हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें नेचर से तो मिला है एंड आफ्टर हमने जो नेचर से मिलने के बाद जो ह्यूमन मेड जो हमने थिंग्स बनाई हैं तो ये सब चीज़ें क्या हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. गॉट इट. सो यू नो यू सी दिस पिक्चर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल में एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल में एयर एटमोस्फियर वाटर व्हाट वी कॉल हाइड्रोस्फियर लैंड लिथोस्फियर. ओके, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर. सो दीज ऑल पार्ट्स ऑफ यू नो इन प्रीवियस क्लास वी वर नो अबाउट एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर. सो प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी चैप्टर फिफ्थ. आई थिंक चैप्टर फिफ्थ और सिक्स्थ इट इज जहाँ पर ये नेचुरल जो पार्ट्स हैं लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सभी को एक बार दोबारा आप रीड करना बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. देखो सिक्स क्लास की जो थिंग्स हैं वो सेवन्थ में आ गई ना. सो लाइक ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन मेड में यू नो बिल्डिंग पार्क ब्रिज रोड्स माउंटेन्स इंडस्ट्रीज. सो दीज types of things are connected to the environment. Okay, individual, family, community, religion, educational, economic and political situation. So ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये environment के ही part है. ठीक है. अच्छा एक होमवर्क ये चलो ऐसा करते हैं होमवर्क जो है वो बाद में बताएंगे लास्ट में. वैसे तो ये आप लोगों को
जो डायग्राम दिया है उसको बनाना है. गॉट इट इन योर फेयर बुक. फ्रॉम द आवर कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट. ओके. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना. वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रिफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक. सो बेसिकली जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो दो चीज़ों को रिफर करता है. वन इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक. सो बायोटिक इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी कॉल बायोटिक. एंड सेकेंड थिंग अबायोटिक इट मीन्स जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं लैंड है रिवर है विंड है ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं अबायोटिक में आती हैं. गॉट इट. सो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट से बना हुआ है. एनवायरनमेंट मीनिंग्स नेबरहुड. इट मीन्स जो हमारे आसपास है. नेबर्स यू नो नेबर कहाँ होते हैं हमारे अगल बगल होते हैं ना. जो हमारे आसपास है वो ही क्या है हमारा एनवायरनमेंट है. जो हमारे सराउंडिंग्स में है चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो नेचुरल हो ह्यूमन मेड हो दैट वी कॉल एनवायरनमेंट. गॉट इट. ओके. सो मैं वॉइस मैसेज में आपको आई विल सेंड यू होमवर्क एंड सम टाइप्स ऑफ नोट्स एंड पीडीएफ फाइल जो मैं इसकी सेंड कर रहा हूँ आपको. सो यू विल सी एंड रीड इट अगेन. गॉट इट. थैंक यू.